बेडरूम और ये है मेरा बेडरूम। यहाँ पे मेरे बच्चे उमेर और मैं, हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है, स्पेशली तब जब हमने कोई मूवी नाइट करनी होती है तो नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे बहुत सारी मूवीज या बच्चे अपने कार्टून्स वगैरह देखते रहते हैं। उमेर और मैं एक साथ बैठ के बहुत ही ऐसा कम होता है कि हमने अपने किसी सेम इंटरेस्ट की मूवी देखी हो, क्योंकि मुझे फिक्शन पसंद है, मुझे थोड़ी सी स्केरी मूवीज पसंद है, थोड़ी सी रोमांटिक, थोड़ी सी ड्रामा मूवीज पसंद है, जबकि उमेर को माफिया, ड्रग्स और यू नो पता नहीं कौन कौन सी एक्शन मूवीज पसंद है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ड्रामा, रोमांटिक, फैमिली मूवीज, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं मूवी टाइम। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मेरा फैमिली कॉर्नर है, मैं आपको दिखा सकती हूँ उमेर की और मेरी शादी की मेहंदी की पिक्चर है, मेहंदी की रात की। और आप देख सकते हैं कि पूरी प्रॉपर ट्रेडिशनल ब्राइड, ऑब्वियसली हमारी हर पाकिस्तानी लड़की बनी होती है। और ये फोटो फ्रेम साथ मैंने रखा हुआ है उमेर की गोद में, तकरीबन एक साल का आहिल अली है, उमेर का नेफ्यू है और इसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यारा है हम सबको आहिल अली। अच्छा जी, ये उमेर की ट्रेनिंग के दिनों के पिक्चर्स हैं, बहुत पुरानी है, हमने अपने करियर का आगाज़ किया था तो मुझे ये दोनों पिक्चर्स बहुत पसंद है। उमेर जब अपनी पायलट ट्रेनिंग ले रहे थे, कंप्लीट अपने कर चुके थे, अपनी सोलो फ्लाइट पे जा चुके थे, ये तब की पिक्चर है। और मैं कराची में एक निजी चैनल में हुआ करती थी, ये तब की मेरी फेवरेट फोटो है। साथ ही साथ एक छोटा सा बुक शेल्फ, बुक कॉर्नर बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको फिक्शन भी मिलेगी, फिलोसफी भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये एक बड़े मज़े की बुक है, मैं आपको अक्सर मैं इसका रेफरेंस भी देती हूँ, ईट प्रे एंड लव। ये आप मूवी भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर या यूट्यूब पर आपको मिलेगी, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा इसका नॉवल भी है, बड़ा कुछ आपको इससे सीखने को मिलता है। किसी दिन रिव्यू करूँगी मैं अपनी वीडियो के अंदर। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बुक कहाँ है यस, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ये बुक, जिन कपल्स ने नहीं पढ़ी वो ये बुक ज़रूर खरीदे। बुक का नाम पढ़ा चाह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, मैन आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वेनिस। अब आपको इसके टाइटल नेम से पता चल गया होगा कि इस बुक में क्या है। जी हाँ, इस बुक में यही है कि मर्द और ख़वातीन जो है वो दो अलग अलग प्लैनेट से हैं, तो भी समझें एक दूसरे को। तो ये बुक कॉर्नर, बुक शेल्फ के अलावा भी मुझे डेकोरेशन पीसेज या एस्थेटिक का बहुत शौक है, तो मैं डिफरेंट चीज़ें जमा करती रहती हूँ, कलेक्ट करती रहती हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी कोना। और इसी तरह दुनिया के एक कोने से मैंने ये बुधा का जो एक पीस है ये मैंने उठाया था इस्तांबुल से, मैं ये लेकर आई थी बड़े संभाल के, हाथ में पकड़ कर लेकर आई थी, क्योंकि अच्छा लगता है डिफरेंट कॉर्नर्स पे। इसके साथ ही फ्लावर्स रखने का मुझे बड़ा शौक है, क्योंकि ब्लू आप देख सकते, थोड़ा सा ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू का टच आपको मेरे कारपेट में भी नजर आएगा, मेरे सोफा से कुशन में भी नजर आएगा, मेरी आपको ब्लाइंड्स में भी ब्लू टच नजर आएगा, इसीलिए मैंने व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा है। मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है घर में, उसकी एक वजह यह कि सब कुछ बहुत खुला खुला रखता है, बहुत बड़ा बड़ा लगता है। तो मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी तो मैंने कलर थीम कब पढ़ा था तो उसको सोचते हुए, याद करते हुए मैंने व्हाइट टच देने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। ये ब्लू फ्लावर्स मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। अगेन आपको एक पीस मिलेगा यहाँ पर, ये कैंडल स्टैंड है बुधा का, अब तो यहाँ पर बड़े कॉमन हो चुके हैं, आपको इस तरह के पीसेस बड़े नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन मैं ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई थी जब मैं मेलबर्न गई थी, तो अगेन वहाँ से एक पूरा बैग भर के मैं लेकर आई थी सारी चीज़ें। अम्मा के घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, और अम्मी कहती है खुदा के वास्ते फेंको इनको, मैंने कहा नहीं इनको मैं हरगिज़ फेंक के नहीं दूंगी। अच्छा जी, ये तो हमारा थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी वाला एरिया है, जब कोई आता भी है तो हम चाय पानी वगैरह यहाँ पर करते हैं, मूवीज देखते हैं, दर्शन भी इतना टाइम करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेपरेशन वॉल यहाँ पर हमने ऐड की हुई अपने बेडरूम में और सिटिंग एरिया में। अच्छा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये जो पूरा मेरा बेडरूम है, पूरा मेरी जो एनएक्सी है, कमरा है, ये सब कुछ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि किचन कैसा होना चाहिए, वार्डरोब एरिया कैसे होना चाहिए, रूम की डिवीजन कैसे होनी चाहिए, सब कुछ उमेर ने हमारी शादी से पहले डिज़ाइन किया था इस पूरे एरिया को देखते हुए। बेडरूम अगेन कबीर का कॉट है, बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बेड पे सुलाने की आदत मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी हुई है, कबीर अपने कॉट में सोता है, रात को मैं इसको जो है अपने बेड के साथ इसे अटैच कर लेती हूँ।
अच्छा एक और बहुत चीज मुझे बहुत पिस्ट ऑफ करती है, अच्छा क्या करती हूँ मैं बताती हूँ, लेकिन ये आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लगा हुआ है, क्या नहीं सीता, ये एक ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे लोकल नहीं मिलेगी, आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो ये एक स्टैंड या काइंड ऑफ फेंस है, मैंने बेड के साथ अटैच किया हुआ है, इनकेस मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ या मैं रेडी हो रही हूँ या मैं कहीं पर भी हूँ, शावर ले रही हूँ और बच्चे बेड पर है, कबीर स्पेशली रोल करता है, क्रॉल करता है, तो वो बेड से गिर ना जाए कहीं, इसलिए मैंने ये फेंस यहाँ पर लगा दी है, बच्चों की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, आपको मेरा कमरा कहीं से भी देखने में नहीं लगेगा कि यहाँ पे दो बच्चे रहते हैं, तो मैंने एक छोटा सा कॉर्नर रखा हुआ, एक ट्रॉली रखी हुई है अपने फर्नीचर के कलर के साथ मैच करते हुए, कबीर की बच्चों की ये कैडी, डायपर, वाइप्स, पाउडर, दूध, एवरीथिंग, सब कुछ ये कॉर्नर में मिलेगा। जगह जगह बिखेरना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है जी। अब भी मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट जगह कमरे की, और वो आपको पता है लड़की हूँ, खातून को क्या अच्छा लग सकता है, और वो है ड्रेसिंग एरिया। सो ड्रेसिंग एरिया प्लीज जरा दिखाएं, इधर पास आए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा थोड़ा सा, मैं बहुत मेकअप की शौकीन नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि 12 साल से मेरे मुंह पर मेकअप लग रहा है जनाब, मैं 12 साल से सुबह उठते एक साथ ही जो सबसे पहला काम करती हूँ वो मैं मेकअप लगाना करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल वो वाली आदत नहीं है कि मैं बहुत सारा मेकअप लेकर रखूँ, उसको शो ऑफ करूँ। जो ज़रूरत की मेरी चीज़ें हैं मैंने वो रखी हुई हैं, जो मेरी काम की चीज़ें कम रखी हुई हैं, क्वालिटी वाली रखी हुई हैं सारी चीज़ें, परफ्यूम्स यहाँ पे आपको मेरे के भी मेरे नज़र आएंगे, इसके साथ साथ ये रिस्ट वॉच का एक बॉक्स है, नीचे कुछ मेरी घड़ियाँ यहाँ पर हैं, ऊपर उमेर की हैं, बाकी कुछ कबर्ड्स में हैं, ज्वेलरी के लिए भी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, मेकअप की मेरी किट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, 3-4 तरह की पड़ी हुई हैं, सारे ब्लश ऑन कलर जो भी खवातीन को पता है कि सारा कुछ। हाँ, ब्रशेस के लिए एक टिप मैं आपको यहाँ पे दूँ, ब्रशेस को हमेशा कवर करके रखें, किसी भी एक्रेलिक बॉक्स में रखना है, किसी पाउच में रखना है, लेकिन मैंने देखा है यूजली लड़कियाँ ब्रशेस ओपन छोड़ देती हैं, सारे कमरे की जो डस्ट है वो उस पर पड़ रही होती है, तो वो आपके फेस पे लगना होता है, तो ब्रशेस को ओपन ही रखें, कवर करके रखें। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे है, ये एक स्पेस है जिसको हमने यूटिलाइज किया हुआ है एज अ वार्डरोब एरिया हमारा, ये मेरा वार्डरोब एरिया है सारा, ऊपर भी बॉक्सेस है सारे, और इसके इस साइड पे हमने थोड़ा सा एरिया यूटिलाइज किया हुआ है एज अ किचन, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर किचन नहीं करती हूँ, खाना शाना हांडी वगैरह नहीं बनती है, लेकिन बच्चों का दूध वगैरह, स्टरलाइजर, पानी बॉटल, कैटल, इस तरह की चीजें यूज होती हैं। अच्छा जी, अब ये चूंकि मेरा जो वार्डरोब एरिया है, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। सो इस तरह से हमने ये अपना कुछ किया हुआ, दिल तो मेरा करता है कि ये भी सारी कबर्ड में ले लूँ, वो भी सारी मैं कबर्ड ले लूँ, सब कुछ मैं ले लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन उमेर ने अपनी जगह भी खूब जो है ना धड़ल्ले से रखी हुई है अपने पास, तो यहाँ पे मेरे कपड़े हैं, ऊपर उमेर के हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ थोड़े से जो फैंसी कपड़े होते हैं, आपने अगर किसी शादी वगैरह पर जाना होता है तो वो सारी वार्डरोब मेरी कुछ इस तरह से है, बाकी मैंने पैक करके रखे हुए हैं बिल्कुल, इनको अच्छे से मैंने आपको दिखाऊँ इस तरीके से पैक किया हुआ है इन बैग्स में, ताकि कपड़े ख़राब ना हो, पता है कितने महंगे हम स्टिच करवाते हैं और वो ख़राब तरीके से रखने से ख़राब हो जाते हैं, फिर ये कुछ बैग्स ऑर्गेनाइजर्स हैं। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये देखिए चूड़ी बॉक्स है पूरा, ये ईस्टर्न लड़कियाँ हैं, हम ईस्टर्न औरतें हैं, तो चूड़ी स्टैंड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके साथ साथ हमारा आगे फर्दर में आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आयरन स्टैंड पड़ा हुआ है, रफ एंड टफ चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमारा ये वॉशरूम ये एरिया है, यहाँ पर मैं तैयार होती हूँ, अपना ब्लो ड्राई वगैरह करती हूँ, मिरर मैंने कोशिश की कि बड़ा लगवाऊँ छोटा ना हो, अगेन मॉइस्चराइजर्स, शैम्पू, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, चीज़ें वगैरह जो कि रूटीन में हमारी सबकी होती हैं वो सारी हैं, विंडो है बाहर, शावर कैबिन है। सो गाइस, ये था आज का पूरा होम टूर वीलॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज से पहले किसी ने भी मैंने कभी इतनी सारे पिक्चर्स भी नहीं बनाए घर में, कभी किसी को दिखाया नहीं, तो आज फर्स्ट टाइम मैंने अपना पूरा घर आप तमाम लोगों के साथ शेयर किया, अपनी पर्सनल लाइफ मैंने आपके साथ शेयर की है, तो मैं चाहती हूँ कि बदले में मुझे आपसे भी उतना ही प्यार मिले, तो आपका प्यार मुझे कैसे मिल रहा है उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब पर करना पड़ेगा, आपको मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीलॉग, कैसा लगा मेरा घर, कैसा लगा, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, अपनी सजेशंस भी दीजिएगा, और लाइफस्टाइल विद नबीहा में आने वाली वीडियोस में भी आपको मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बहुत सारी टिप्स भी होंगी और बहुत मज़े मज़े की बातें भी होंगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफ़िज़।